जहां एक तरफ अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि अग्निपथ कितना बड़ा फैसला है जो इन्होंने आनन फानन में कर दिया है। मोदी जी ने जैसे नोटबंदी की उसी प्रकार ये फैसला कर दिया। ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है, सीमाओं की रक्षा का सवाल है। कम से कम नेशनल डिबेट होती इस पर, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मामले में बहुत भारी गलती की है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो टारगेट है तो है, जहाँ जहाँ सोची फासिस्ट हो वहाँ ऐसे ही होता है। 13 को मैं मांगा टाइम सीबीए के डायरेक्टर साहब से और ईडी के डायरेक्टर साहब से, सीबीडीटी के, मुझसे मिलने में क्या हर्ज है। मैंने फिर टाइम मांग रहा हूँ वापस में उनसे, उनसे मिलना ही तो है भाई। चाय पिलाओ नहीं पिलाओ तो मेरी मर्जी है, खाली जाके मैं बात तो कहूँ अपनी। ये तो मेरा एक नागरिक के तौर पे भी, एक राजस्थान के स्टेट का मुख्यमंत्री के तौर पर क्या मैं टाइम नहीं मांग सकता? इनके पास जवाब कोई है क्या मना करने का? कोई तर्क है क्या बताओ? इन तीनों के पास में तो तीनों जो बैठे हैं, नंबर वन सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के अंदर, इनके पास कोई तर्क है क्या मना करने का? भाई इस कारण से हम आपको नहीं मिल रहे, पता नहीं। हमें तो जनता से मिलकर खुशी होती है और ये मिल नहीं पा रहे हैं। इनको क्या अपने पता नहीं क्या भाई इनको, ये तो ये जानते हैं। पर जिस प्रकार 13 को टाइम मांगा, 15 को FIR दर्ज कर दी सीबीआई ने और 17 को छापा डाल दिया, 12 घंटे चला छापा। और उनके यहाँ डाला जिनके 45 साल थे मेरे, मैं बचपन से, मैंने कल भी कहा जयपुर के अंदर, मैं बचपन से ही राजनीति करता हूँ और वो राजनीति में कोई नहीं है। घर में उनके शादी हुई होगी तो मैं जो जाता हूँ वर्कर्स के यहाँ पर, उस ढंगे उनके जाके बाहर निकला हुआ, क्योंकि मुझे और लोगों को जाना था वर्कर्स के यहाँ। उनको महसूस नहीं हो रहा आपकी देखिए मतलब हमारे यहाँ नहीं आए। तो मैं इस प्रकार की जिंदगी मैंने बिताई है, मेरे कारण से वो तकलीफ पा रहे हैं। जब क्राइसिस था उस वक्त तो ईडी घुस गई, अब सीबीआई को घुसवा दिया, अब इनकम टैक्स बाकी रह गया खाली बस। तो ये तरीका गलत है। देखिए कोई किसी का भाई हो, परिवार का आदमी हो, आप राजनीति में हम लोग हैं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करो तो आपकी मर्जी है, आपको लगे तो करनी चाहिए। पर आप परिवार के लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? कोई कारण नहीं। और कोई केस है 15 साल पुराना मामला, तो वो केस चल रहा है गुजरात के अंदर। पर ये मेरे कारण से तकलीफ आए मेरे परिवार के लोग, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है और आम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मोदी जी को, अमित शाह जी को क्या लग रहा होगा, तो वो जाने। सर कल शाम को राष्ट्रपति से भी मिलने का कार्यक्रम है आप कांग्रेस के नेताओं का? वो तो हम सब कांग्रेस लीडरशिप तय करेगी, हम जाके बातचीत करेंगे उनसे। राजस्थान से भी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता और मंत्री लोग आएंगे सर कल? वो तो सभी राज्यों से कहीं कम कहीं ज्यादा आ रहे लोग आएंगे, कि वो तो एकजुटता दिखा रहे हैं। पर देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि कोई तरह की वॉयलेंस नहीं हुई दिल्ली के अंदर। वॉयलेंस कर रही है तो सरकार कर रही है हमारे ऊपर, उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पर। वॉयलेंस आंदोलन कर रहे हैं और वॉयलेंस पुलिस कर रही है हमारे ऊपर, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। सर इनको निपटना चाहिए। हाँ बोलिए। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार युवा उद्वेलित हैं, सरकार बार बार संशोधन कर रही है, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, ये योजना वापस नहीं होगी, आगे की क्या रणनीति है सर आपकी अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो? देखिए तो कांग्रेस लीडरशिप रणनीति बना रही है। सोनिया गांधी जी का देखा होगा हमें संदेश, अग्निपथ इतना बड़ा फैसला है तो क्या मतलब इनको नहीं चाहिए था कि पार्लियामेंट की कमेटी बनी डिफेंस की है, पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन होना चाहिए था। पूरे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है, सीमाओं की सरहद का सवाल है, रक्षा का सवाल है। क्या इतना बड़ा फैसला इन्होंने आनंद फानंद में कर दिया? जब नोटबंदी की थी मोदी जी ने उसी प्रकार कर दिया फैसला? ये पूरे मुल्क के फ्यूचर का सवाल है। कम से कम आप नेशनल डिबेट होती इस पर, पार्लियामेंट डिस्कशन होता, कमेटी बनी हुई है डिफेंस की उस पर डिस्कशन हो रहा था, उसके बाद में लोग फिर आपकी आप सरकार में हैं, आपकी मेजोरिटी में हैं, आप कोई फैसला करते, कोई
मन से कोई बेमन से उसको मंजूर फैसले को मंजूर करना पड़ता है, क्योंकि सबने मिलके किया फैसला। आप अकेले फैसला कर रहे हो, इतना बड़ा फैसला। आज आग लगा रहे हैं बच्चे, कोई ट्रेन पे बोगी पे आग लगा रहे हैं, कोई बसों पे आग लगा रहे हैं, कोई तोड़फोड़ रही है, तो ये सब रुकना चाहिए। हमने तो अपील की, हमने तो कल प्रस्ताव पार किया कैबिनेट के अंदर कि ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, अपनी बात कहें, शांतिपूर्ण तरीके से बात करें, ये मेरा मानना है। पर इन्होंने बहुत भारी गलती करी है कि अनावश्यक इन्होंने या तो जानबूझ के किया होगा। इनके सारे फैसले अचानक ही होते हैं, जिससे कि ध्यान हट जाए मुख्य मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, ईडी का ये तमाशा, इन सब पे ध्यान गहरे हटे तो एक नया से ऊपर छोड़ दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे इतनी भारी गलतफहमी हो गई है। बड़े बड़े जो जनरल और कर्नल हैं रिटायर्ड, वो सब एक स्वर में इसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? उनको विश्वास में लेना चाहिए था। उनको भी तीनों सेनाध्यक्ष है, उनको खुद को बोलना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। अब जो समझा रहे हैं आर कैबिनेट सेक्रेटरी ने, तमाम देश के चीफ सेक्रेटरी से और डीजी पुलिस से बात करी है और उनको समझाया गया कि साहब ये इसमें स्कीम हमारी है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, ठीक है, इसराइल में क्या हो रहा है, बता रहे हैं वो। ये काम पहले नहीं कर सकते थे? अगर ये काम पहले करते तो आपको खुद को डिबेट में मालूम पड़ता भी कि पार्लियामेंट के अंदर सब पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, रिसर्च करके आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उसके बाद में आप फैसला करते। आज फैसला सुना रहे, वो बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं थी, पहले कर देते वो। तो ये बहुत भारी गलती की इन्होंने, बहुत भारी चूक हुई इनसे। उसी का खामियाजा देश भुगत रहा है, पूरे देश में आग लगी हुई है जो नहीं लगनी चाहिए थी। अब भी सबको अपील करनी चाहिए, किसी भी कीमत पर ये प्रॉपर्टी नेशनल प्रॉपर्टी है, इसको सस्ती करने का कोई किसी को फायदा नहीं है। ये नौजवानों को भी समझना पड़ेगा। आप धरना दो, प्रदर्शन करो, शांति से करो अपनी बात, मेरा मान।